मैथ कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। दंड आलेख बोलते हैं ये जो एक सेंटीमीटर का गैप रख करके इनको बोलते हैं दंडारेख। ये हो गए अपने, ये हो गए, इनको दंड आलेख बोलते हैं। अब है इसमें बी में कौन सा पशु अधिक लोकप्रिय है। तो पहला है कुत्ता, कुत्ते का अलग ये जो है 8 तक गया है। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली का गया 10 तक, खरगोश 2 और ये जो है 5 तक गया है एमेस्टर का, और अन्य ये। तो सबसे बड़ा आलेख किसका गया है, बिल्ली का गया है 10 तक। तो यहाँ विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु कौन सा लोकप्रिय हुआ, बिल्ली। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, कुत्ता। तो यहाँ क्या आ गया, 8 विद्यार्थी कुत्ते को पालते हैं, यानी 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु जो है वो कुत्ता है। अब इसमें है दूसरा है पुस्तकों की संख्या है इसमें, और ये 1989 में इतनी, 90 में इतनी, 91 में इतनी, 92 में इतनी, 93 में इतनी सेल हुई है, यानी कि ये पुस्तकें बेची गई है। अब 1989 के अंदर 200 पुस्तकें बेची, 90 के अंदर 500 बेची, 91 के अंदर 300 बेची, 92 के अंदर 200 बेची और 93 के अंदर पुस्तकें बेची है इसने, 600 पुस्तकें बेची। तो इस तरह से ये आलेख होगा। अब है कि निम्नलिखित दंड आलेख को पठ्य पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। अब इसमें आ गया 1989, 90 और 92 में से प्रत्येक कितनी पुस्तकें बेची गई, तीनों वर्षों की अलग अलग निकाल दो, मैंने बता दी। किस वर्ष 475 पुस्तक अधिक बेची गई और जो लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष 225 पुस्तकें बेची गई। अब इसमें देखो 225 के लगभग अपना स्कोर होगा 92, 1992 के अंदर 225 पुस्तकें बेची गई। अब जो है इसके अंदर देखो बताता है कि किस वर्ष 475 पुस्तकें बेची गई। अब 475 पुस्तकें बेची गई, तो 475 में कौन सा आएगा। अब इसमें आलेख जो है 400 से कम 475 इन दो वर्षों में बेची गई है। एक तो है ये अपना जो 1990 में और 1993 में ये 475 पुस्तकें बेची गई। किन वर्षों में 250 से पुस्तकें कम बेची गई, 250 से कम है 200, 1989 के अंदर बेची गई, 1992 के अंदर पूरी 250 बेची गई। तो ये हमने इस तरह से सम करने हैं। अब है प्रश्न 3 है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के नीचे दी गई है इन आंकड़ों का दंड आलेख तैयार कीजिए। इनका है यहाँ आप लिखोगे फुट्टे की सहायता से एक एक सेंटीमीटर के ये कॉलम बना लोगे, एक एक सेंटीमीटर के ये कॉलम लगा दिए गए। ये है। अब देखो इसमें 5वीं
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं। अब है 90, 95। अब देखो कक्षा 5 से 8 तक, अब हमने ये चार में 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135। अब पांचवी कक्षा की पुस्तकें जो हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो यहाँ आ गया कक्षा पाँचवीं, कक्षा छठी, कक्षा सातवीं, कक्षा आठवीं, कक्षा नौवीं और दसवीं। ये जो है एक एक सेंटीमीटर के कॉलम काट करके इसको बना लोगे। अब हम चलते हैं, ये कॉलम जीरो, ये 80, 100, 120, 140। अब कक्षा पाँचवीं में विद्यार्थियों की संख्या ये आ गई, विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ आ गई कक्षाएं। अब कक्षा पाँचवीं में 135 पुस्तकें लगी, तो यहाँ 135 का निशान ये बनता है अपना, तो यहाँ इस दोनों कॉलम को जोड़ लोगे। अब 120 यहाँ पे है, तो कक्षा छठी का ये कॉलम 120 का बन गया। सातवीं में 95, 80, 100, 90, 95 के लगभग ये हो जाएगा, तो कक्षा सातवीं में 95 ये होगा। आठवीं में पूरे 100, तो पूरे 100 का कॉलम। अब कक्षा नौवीं में 90 के इसका आधा हो जाएगा जी, ये कक्षा नौवीं। इसी तरह दसवीं का दिखा दो, तो इस तरह से आपने ये सारे सम करने हैं, 6 के 6 सम आपने कॉपी पे करने हैं। जो ना समझ में आए तो दोबारा मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।